अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ स्पैगेटी विद क्रीमी सॉस। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत इजी है। पूरी रेसिपी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें पहले बनाना है एक बिल्कुल सिंपल सी सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है केचप, सोया सॉस, लेमन जूस, ऑयस्टर सॉस, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सॉल्ट, विनेगर भी मैंने ऐड किया इसमें, और आखिर में मैंने ऐड किया इसमें शुगर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिएगा। अब एक पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है, क्रश गार्लिक, थोड़े से सौते किया, उसके बाद मैंने उसमें अपना बनाया हुआ सॉस डाल के थोड़ा सा 2 से 3 मिनट उसको भून लिया है। भूनने के बाद कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। वेजिटेबल ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट में से सौते करूँगी, उसके बाद कवर करके 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैंने स्पैगेटी जो बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से इसको ऐड करके मैं रख लूँगी साइड में। अब इसके बाद मैंने वाइट सॉस इसकी रेडी करनी है, जिसकी रेसिपी कुछ यूँ है। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और 2 टेबलस्पून फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा। मैदे को मैंने खुश्क होने तक भून लिया है और उसके बाद उसे फ्लेम से हटा दिया है। एक कप मैंने इसमें दूध ले लिया है। दूध को मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती रहूंगी। ये मिक्सचर हमने पैन को चूल्हे से हटा के बनाना है, दूध ऐड करते जाएंगे। अब इसे मैंने दोबारा फ्लेम पे रख दिया है। चेडर चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने सॉस को पकाया है। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी, ये इतने ज़बरदस्त सॉस हमारी रेडी है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो, ये तीनों चीज़ें डालते मैंने इसको हल्का सा मिला लिया है। थोड़ा सा केचप भी मैंने ऐड किया है, अगर आपको व्हाइट सॉस में केचप ना अच्छा लगे तो मत डालिएगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है केचप डालने के बाद। उसके बाद मैंने अपने सॉस को ठंडा कर लिया था फ्लेम से हटा के। जब ये सॉस मेरा ठंडा हो गया था, फिर मैंने इसमें 1 कप मेयोनीज ऐड किए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी व्हाइट सॉस तैयार है। स्पैगेटी मैंने पहले से डिश आउट कर ली थी, ठंडी कर ली थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऊपर से टॉपिंग हिला दी सारी सॉस की। उसके बाद आप जब भी आपने इसको सर्व करना हो, आप इसको ओवन में रख के 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको गर्म कर सकते हैं, वरना ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए, हमारी स्पैगेटी विथ व्हाइट एंड क्रीमी सॉस तैयार। चैनल को मैंने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।